मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला है और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो एवरीवन, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर है और आज हम लोगों का टॉपिक है LCM। मैथ्स के अंदर ये बहुत ही VVI क्वेश्चन बनता है। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग LCM फाइंड करेंगे, वो भी बिना किसी मेथड के, बिना किसी विधि को लगाए हुए, और वो भी कुछ ही क्षणों में। कैसे हम लोग LCM फाइंड करेंगे कुछ ही क्षणों में? जैसे हम लोग दो संख्या ले लेते हैं, एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं कि 80 है। अगर इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो बिना किसी मेथड को लगाए कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग जब भी दो संख्याओं का अगर LCM फाइंड करते हैं, दो से अधिक संख्याओं का अगर हम लोग LCM फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेना है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 80 है। अगर वो सबसे बड़ी संख्या अगर दी गई संख्याओं में सबसे विभाजित है तो वही उसका LCM होता है। अर्थात यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 80 है और यहाँ पर एक ही संख्या 20 है। अगर 20 से ये संख्या कैंसिल हो रहा है तो यही इसका LCM होगा। तो यहाँ पर 20 से ये संख्या डिवाइडेड हो रही है, विभाजित है, इसीलिए 20 और 80 का जब हम लोग LCM फाइंड करेंगे तो 80 होगा। अगर यहीं पर तीन संख्या को ले लेते हैं, अगर जैसे हम लोग ले लेते हैं 6, 12 और यहाँ पर ले लेते हैं 36 को, फिर सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए 36। अब देखिए कि अन्य बची हुई संख्याओं से ये संख्याएं विभाजित है या नहीं। तो 6 से 36 कैंसिल है, 12 से 36 कैंसिल है, इसीलिए 6, 12 और 36 का जब हम लोग LCM निकालेंगे तो 36 आएगा। अगर ऐसा संख्या जिसमें विभाजित होने वाली संख्या नहीं हो, मान लेते हैं कि 6 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। अब यहाँ पर इस संख्या का हम लोग LCM कैसे फाइंड करेंगे? तो 6 है, 6 से 12 तो विभाजित हो रहा है, 8 से 12 विभाजित नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोगों को बड़ी संख्या को ही पकड़ना है। बड़ी संख्या को हम लोग पकड़ लिए 12, अब इस संख्या को आगे बढ़ाते चलना है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे करके आगे करेंगे और जो भी संख्या 12 का जो भी संख्या गुणज है, 12 का गुणज अगर वो 6 और 8 से अगर वो कैंसिल हो जाता, वही 6, 8 और 12 का LCM होगा। तो जैसे हम लोग 12 का नेक्स्ट है जो इसका निकालेंगे अगर मल्टीपल, तो एक तो 12 तो कैंसिल है ही नहीं 6 और 8 से, नेक्स्ट करते हैं इसको 2 जा बढ़ाते हैं 24, और 24 जो 6 से कैंसिल हो जाता, 8 से भी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसका LCM 24 होगा। ऐसा कितना भी अंक अगर दिया गया हो तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 2 है 5 है, इसके बाद 6 है और 10 है। अगर इसमें हमें LCM फाइंड करना है, फिर बड़ी संख्या को पकड़ेंगे 10 को, 10 2 से विभाजित हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, तो 10 को आगे बढ़ाते चलना है। 10 कैंसिल नहीं है, ये LCM नहीं हो सकता है। इसके बाद 20 है, ये भी कैंसिल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। अगला जो है 30 है। अब 30 जो है 2 से 5 से 6 से और 10 से सबसे कैंसिल हो रहा है, इसीलिए 2, 5 और 6 और 10 का LCM यहाँ पर 30 होगा। तो ऐसे हम लोग कई संख्याओं का LCM इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या है जो किसी से विभाजित ही नहीं है, मान लेते हैं कि 2 है 3 है और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अगर 7 को, अब इसमें फिर बड़ी संख्या को ही पकड़ना है, लेकिन 2 से 7 कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से 7 कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऐसे संख्याओं को हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 7 42, इसका LCM 42 हो जाए। या तो इसी 7 को आगे बढ़ाते चलना है, 7 के बाद 14, इससे कट रहा है इससे नहीं कट रहा है, फिर 21, इससे कट रहा है इससे नहीं कट रहा है, तो इस तरह से हम बढ़ाएंगे, 28, इससे कटा इससे नहीं कटा, 35, इससे भी नहीं कट रहा इससे भी नहीं कट रहा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं 42,
ये तीनों संख्या से कैंसिल हो रहा है, इसीलिए 2, 3 और 7 कैल्शियम 42 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख कर भी बिना पेन और पेपर के भी हम लोग संख्या का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।